नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान के जनरल बाजवा को झप्पी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कांग्रेस के नेता और पंजाब कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू फिर एक बार विवादों में फंस गए हैं। करतार साहिब कॉरिडोर के शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल होने पाकिस्तान पहुंचे सिद्धू की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो आतंकी संगठन खालिस्तान के समर्थक गोपाल चावला के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर खुद चावला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है, जिसके बाद भारत की राजनीति में बवाल मच गया। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा सिद्धू पर हमला करते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाक जाने से इसलिए मना किया कि पाकिस्तान भारत विरोधी और पंजाब विरोधी गतिविधियों का समर्थन करता है, लेकिन उन्हीं के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू उनकी इच्छा के खिलाफ पाकिस्तान गए और उस गोपाल चावला के साथ तस्वीर खिंचवाई जो हाफिज सईद का करीबी सहयोगी है और भारत विरोधी व्यक्ति है। क्या कैप्टन साहब अपने गैर जिम्मेदार मंत्री को बर्खास्त करेंगे? आपको बता दें कि गोपाल चावला आतंकी संगठन खालिस्तान का समर्थक है और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। हाल ही में वो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ भी मंच साझा करते हुए देखा गया था। यही वजह है कि चावला के साथ सिद्धू की फोटो पर बवाल मचा हुआ है। इससे पहले भी नवजोत सिद्धू जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गले लगाया था, जिसके बाद वो विवादों में आ गए थे।